हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट पैनकेक की रेसिपी, जो कि बहुत आसान, बहुत मज़ेदार है, बच्चों के बहुत फेवरेट हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि ये हमने किस तरह से तैयार किए हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक अंडा, इसे हम फेंट लेंगे। उसके बाद इसमें जाएगी 1/4 कप चीनी, उसे भी डालकर इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल वही तकरीबन प्रोसेस है जो हमने पैनकेक्स में इस्तेमाल किया था। 2 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें मेल्टेड बटर शामिल किया है, और इसे भी हम इसके साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेने के बाद चीनी जब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, इसमें मैंने शामिल किया है 1 कप भर के दूध, और दूध मैंने यहाँ पर नीम गर्म लिया है। अब मैं करूँगी इन सारी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट कर लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसमें 1/4 कप के करीब लिया है मैदा, मैं इसमें डालूँगी छान कर। उसके साथ ही मैं लूँगी इसमें 2 खाने के चम्मच भर के कोको पाउडर के, वो भी मैं इसमें छान के शामिल करूँगी। और आखिर में जाएगा 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर। इन सारी चीज़ों को हमने छान कर इसलिए इसमें डाला है ताकि बैटर में कोई भी लम्स ना बने, बिल्कुल स्मूथ बैटर हमारा बनकर रेडी हो। अब हमने इन सारी चीज़ों को करना है अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए बीट, और इसके लिए हमें कोई इलेक्ट्रिक बीटर की ज़रूरत नहीं है, इसी से हम कर लेंगे। अच्छा सा बनकर ये रेडी हो जाता है। बस इसको बहुत अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स करना है, बीट करना है 3 से 4 मिनट। इसे अच्छी तरह से बीट करने के बाद फिर मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट किया, और बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, और ऐसे ही हमें चाहिए। अगर आप मज़ीद इसको गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच जो है और मैदा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जायके में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, जैसे भी आपको पसंद हो। हम इसके पैनकेक बनाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए मैंने पैन लिया है, इसको अच्छे से पहले गर्म कर लिया है, उसके बाद फ्लेम कर दी है लो टू मीडियम, और मैं इस पे कर रही हूँ हल्का सा बटर स्प्रेड। और इसके बाद हमने जो बैटर तैयार किया था वो हम इस पे लेंगे और इसे फैला लेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हमने पैनकेक बनाकर तैयार किए थे, उसी तरह से हम इसे फैलाएंगे। उतनी देर तक हम इसकी साइड चेंज नहीं करेंगे जब तक कि एक तरफ से ही अच्छे से पक ना जाए और दूसरी तरफ इस पर थोड़े से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। जैसे ही आप देखें कि ये कुछ इस तरह की उसमें आ चुका है कि ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इसे पका लेंगे। 1 से 2 मिनट तकरीबन लगेंगे। पैन मैंने इसके लिए नॉनस्टिक इस्तेमाल किया है, इसकी वजह से ये बिल्कुल भी पैन पर चिपकेगा नहीं। 1 से 1.5 मिनट में ही ये भी बनकर रेडी हो चुका है, क्योंकि बैटर हमने बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं लिया था और इतना मोटा ये बना नहीं था, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, दोनों तरफ से ये जल्दी ही हो जाएगा। पहला पैनकेक हमारा बनकर रेडी है, उसको मैं उतार लूँगी और इसी तरह से ही हम दूसरा भी बना लेंगे। बटर पहले स्प्रेड करेंगे, उसके बाद बैटर लेकर हम उसको इतने टाइम देंगे जब तक कि एक तरह से वो बन जाए, उसके बाद उसकी साइड चेंज करेंगे, अंदाजन हम इसको टाइम देंगे, और जब दोनों तरफ से बनकर तैयार हो जाए तो हम इसे उतार लेंगे। बिल्कुल इसी सेम प्रोसेस से मैं बाकी के भी बना कर रख लूँगी और फिर मैं आपको सारे बना कर दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमारे सारे पैनकेक्स बनकर तैयार हो चुके हैं। आप किसी भी तरह से आप इसे सर्व कर सकते हैं, फ्रूट की फिलिंग के साथ, किसी भी तरह से। वाइट चॉकलेट भी आप इस पर डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप वाइट चॉकलेट डालेंगी तो और ज़्यादा ये हैवी हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इस पर थोड़ी सी पाउडर शुगर स्प्रिंकल की है, जिसके साथ ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनकर तैयार हुए हैं, इनका जायका बिल्कुल चॉकलेट केक की तरह है। तो ज़रूर आप इसे बनाइए, अपने बच्चों के साथ इसे इंजॉय कीजिए, और फिर हमें कमेंट करके बताइए कि आपके कैसे बने हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।